बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। वी आर रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज एसन अली एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग गौहर कंप्यूटर साइंस फॉर ग्रेड 6 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट नंबर 3 इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लेक्चर नंबर 4 इज अबाउट ओपनिंग अ विंडो और एप्लीकेशन फ्रॉम अ सर्टन लोकेशन। यानी कि हम इस में ये पढ़ेंगे कि किसी भी लोकेशन से कोई एप्लीकेशन या विंडो कैसे ओपन होती है, विंडोज एंड इट्स पार्ट्स, और एक विंडो के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि डेस्कटॉप, फ्रॉम डेस्कटॉप हम कोई ऐप एप्लीकेशन या विंडो कैसे ओपन करते हैं। इन ऑर्डर टू ओपन एनी ऑफ देम टू डू द फॉलोइंग, किसी भी किस्म के एप्लीकेशन या फोल्डर ओपन करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट द माउस एट द एप्लीकेशन यू वॉन्ट टू ओपन। आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं, जो सी एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है उसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेकर जाए। डबल क्लिक एंड द एप्लीकेशन ओपन, और उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो वो क्या होगी, ओपन हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो ओपन अ प्रोग्राम बाय राइट क्लिकिंग इट्स आइकन एंड देन क्लिकिंग ओपन इन द मेन्यू। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप उस एप्लीकेशन के आइकन पर जाएं, उसके ऊपर राइट क्लिक करें। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू ओपन होगा, और मेन्यू में सबसे टॉप पर लिखा होगा ओपन। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो भी आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, पहले हमने देखा कि डेस्कटॉप से कैसे कोई भी ऐप या फोल्डर ओपन किया जा सकता है। अब हम देखेंगे फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू से किस तरह कोई ऐप या फोल्डर ओपन किया जाता है। व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन, देयर अपीयर्स अ मेन्यू इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज स्टार्ट मेन्यू। जब भी हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे ऊपर एक मेन्यू ओपन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू। इन दिस मेन्यू वी सी वेरियस आइकन्स एंड बटन्स। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट आइकन्स और बटन्स देखते हैं। स्टार्ट मेन्यू हैज थ्री सेक्शन। स्टार्ट मेन्यू को कितने सेक्शन है, थ्री सेक्शन है। इन फर्स्ट सेक्शन देयर इज यूजर अकाउंट, सेटिंग, डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर फोल्डर एंड द पावर बटन्स। आपको फर्स्ट सेक्शन में क्या क्या देखने को मिलता है, यूजर अकाउंट की डिटेल्स, सेटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स और फोल्डर और पावर ऑप्शंस आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है इन सेकंड सेक्शन देयर आर रिसेंटली एडेड सॉफ्टवेयर ऑन द टॉप, और सेकंड सेक्शन में हमें जो कि रिसेंटली एड हुए हमारे लैपटॉप के अंदर वो एप्स या फोल्डर्स हमें नज़र आते हैं। बिलो द रिसेंटली एडेड एडेड सॉफ्टवेयर देयर इज अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। उसके बाद क्या होता है, थर्ड सेक्शन में हमारे पास अल्फाबेटिकली सारी ऐप्स क्या हैं वो नज़र आती हैं, यानी कि जो अल्फाबेट्स ए से स्टार्ट होती हैं वो, उसके बाद बी वाली, फिर सी वाली। इन द थर्ड सेक्शन वी कैन पिन एनी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन वी वॉन्ट, वी कैन कस्टमाइज द स्टार्ट मेन्यू। और थर्ड सेक्शन में आता है हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे हम चाहें, कि हमें ये वाली ऐप सबसे ज़्यादा चाहिए तो इसको टॉप पर रख लें, जो नहीं चाहिए वो बॉटम पर। फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये मेरे पास अल्फाबेटिकली ऐप्स ओपन हो रही हैं, मुझे नज़र आ रही हैं। जहाँ से मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ तो ये मेरे पास कैलकुलेटर की ऐप ओपन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम सर्च बॉक्स। इन ऑर्डर टू ओपन अ सॉफ्टवेयर थ्रू सर्च बॉक्स फॉलो दीज स्टेप्स। सर्च बॉक्स में क्या मतलब, कि जो नीचे एक सर्च बॉक्स होता है जहाँ पर आप ऐप का नाम लिख सकते हैं, वो सर्च बॉक्स इज ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के राइट साइड पर सर्च बॉक्स आपको देखने को मिलता है। इन द सर्च बॉक्स राइट द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द मैचिंग रिजल्ट स्टार्ट अपीयरिंग अबव द सर्च बॉक्स। जब हम सर्च बॉक्स में कोई भी ऐप का नाम लिखेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं वो हमारे ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। क्लिक योर डिजायर्ड रिजल्ट एंड द सॉफ्टवेयर ओपन। और आपको जो सी ऐप ओपन करनी है आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आपके विंडोज ओपन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, विंडोज एंड इट्स पार्ट्स, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका यूजर इंटरफेस तकरीबन इसी तरह का होता है, और उसके पार्ट्स भी तकरीबन इसी तरह के होते हैं। जितने भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सॉफ्टवेयर हैं उनमें सबसे पहले आपको एक टाइटल बार देखने को मिलती है सबसे टॉप पर। नेक्स्ट आपको विंडो कंट्रोल बटन्स मिलते हैं, जो कि आपके पास ये तीन बटन्स हैं, इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे।
उसके बाद आपके पास रिबन टैब मिलती है जिसके अंदर आपके तमाम तर टूल्स जो से हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे से मौजूद होते हैं। राइट साइड पर आपको स्क्रॉल बार देखने को मिलती है और बॉटम पर आपको स्टेटस बार देखने को मिलती है। स्टेटस बार आपको बता रही होती है कि आपका जूम कितना है और आपके पेजेस वगैरह, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट पे है विंडोज़ ऑफ एन एप्लीकेशन, ये पूरा जो सा है आपको बताया जा रहा है कि ये एक विंडोज़ एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स टाइटल बार में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। दिस बार इज़ एट द टॉप ऑफ द विंडोज़, इट शोज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम। ये क्या करती है, ये बार सबसे टॉप पर होती है प्रोग्राम की और क्या करती है, नाम शो करती है, नेम शो करती है किसी भी प्रोग्राम का। रिबन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल बार जस्ट बिलो द टाइटल बार, इट हैज मेनी टैब्स। व्हेन वी क्लिक ऑन एनी टैब इन दिस रिबन, ऑप्शंस रिलेटेड टू दैट टैब अपीयर्स इन दिस रिबन। तो स्टूडेंट्स रिबन टैब क्या है, टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होती है और इसके अंदर मुख्तलिफ टैब्स होती है। मैं जो से टैब क्लिक करूंगा तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो मेरे पास रिबन पे शो होंगे। द कमांड्स इन द टैब्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बटन्स एंड इंस्ट्रक्शन। और कमांड्स जो होती है उनको स्मॉल आइकन्स या बटन्स में तब्दील किया जाता है कि आप उसको क्लिक करेंगे तो वो कमांड रन होती है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि स्टेटस बार क्या होती है। This bar opens in some applications. It informs us about the status of the running program or window. It is usually at the bottom of the of an application window. तो status bar क्या होती है, ये bottom पर होती है और ये क्या करती है, हमें status बताती रहती है of a running program या window, कोई भी running program या window हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं। status के बारे में क्या मतलब कि ये बता देगी कि इस वक्त zoom कितना हुआ है, अगर हम वर्ड यूज़ करें तो हमें भी बताएगा कि पेजेस कितने इस्तेमाल हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्क्रॉल बार। दिस इज़ अ वर्टिकल बार ऑन द राइट ऑफ द ओपन एप्लीकेशंस विंडो। समटाइम्स देयर इज आल्सो अ हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम जस्ट अबव द स्टेटस बार। दीज बार्स हेल्प अस टू स्क्रॉल आवर वर्क अप एंड डाउन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो स्क्रॉल बार क्या होती है स्टूडेंट्स, अभी हमने ऊपर देखा कि ये क्या होती है, राइट साइड पर हमें नज़र आती है जो कि हमें क्या करती है, पेज को ऊपर या नीचे लेके जाने में मदद करती है। और कुछ प्रोग्राम्स में ये हमें स्टेटस बार के ऊपर भी देखने को मिलती है जो कि राइट और लेफ्ट के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है विंडोज कंट्रोल बटन। विंडो कंट्रोल बटन हमने तीन तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला है मैक्सिमाइज बटन। This is the middle of the two buttons. It looks like a box mark on it. ये किस तरह का होता है, इसके ऊपर box की तरह की एक shape नज़र आती है हमें। When you click it or for the first time the windows expand over the whole screen. जब हम इसको पहली बार क्लिक करते हैं तो हमारे जो application होती है वो पूरी screen cover कर लेती है। If you click in it a second time the window gets smaller in size, we can say that it is a restored. तो जब हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो विंडो जो उससे पहले जितने साइज़ की थी उसी साइज़ में आ जाएगी। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई, यानी कि रिस्टोर हो गई है। नेक्स्ट है मिनिमाइज बटन। दिस बटन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन मिडल में होता है तो उसके लेफ्ट में क्या होता है, मिनिमाइज बटन। व्हेन वी क्लिक इट इट रिड्यूसेस द विंडोज एट द टास्क बार आइकन। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये क्या करती है, टास्क बार आइकन को रिड्यूस कर देती है। वी विल नाउ क्लिक ऑन द टास्क बार आइकन्स टू ओपन द एप्लीकेशन अगेन। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी जो सी विंडोज़ है वो बंद होकर किस पर चली जाती है, टास्क बार पर। जब हम टास्क बार पर क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगी जैसे वो पहले थी। लास्ट वन है क्लोज बटन। दिस इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मैक्सिमाइज बटन, इट हैज़ अ क्रॉस ऑन इट। If you click it, the application closes. तो students कुछ इस तरह के तीन buttons होते हैं। दरमियान वाला हमारे पास maximize button है, ये वाला हमारे पास minimize button है और जो right पर है वो close button है। जब हम इसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी application क्या हो जाएगी, close हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो students conclusion की तरफ चलते हैं और आज देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। Ways to open windows और application, हमने दो ways पढ़े कि विंडोज़ को कैसे ओपन किया जा सकता है। पार्ट ऑफ अ विंडो,
और पार्ट्स ऑफ द विंडोज के पढ़े बारे में पढ़ा कि विंडोज के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, विंडोज कंट्रोल बटन्स और विंडोज कंट्रोल बटन्स के बारे में हमने पढ़ा कि तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.